यूपी में दोबारा योगी सरकार के आते ही ढीले अधिकारियों की कमर कसनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में बांदा डीएम अनुराग पटेल ने भी अधिकारियों पर सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है और चेतावनी देते हुए स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि बैठकों में अधिकारियों का आना अनिवार्य होगा। अधिकारियों के बाबू और क्लर्क को मीटिंग में नहीं आने दिया जाएगा। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों अधिकारियों के लिए नए नियम बनाए थे और इन्हीं नियमों का हवाला देते हुए डीएम ने अधिकारी को फरमान सुनाया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी कान खोल कर सुन लें, अब लंच सिर्फ आधे घंटे का होगा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, अपना लंच साथ में लाइए और कार्यालय में ही खाइए, ये नहीं कि साहब घर में खाना खा रहे हैं और जनता परेशान है। दरअसल बुधवार को जिला स्तर की बैठक बुलाई गई थी लेकिन इस बैठक में कुछ अधिकारी नहीं पहुंचे। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिला अधिकारी ने ये नए नियम लागू कर दिए। साथ ही कह दिया कि अधिकारियों की मीटिंग में सिर्फ अधिकारी ही आएंगे, कोई बाबू और क्लर्क नहीं आएगा। सिर्फ यही नहीं, नए नियम न मानने वालों पर निलंबन के संकेत भी दे दिए गए। इसके अलावा डीएम ने अधिकारी को अपना काम पूरा करने की हिदायत देते हुए कहा कि सभी विभाग अपना काम वक्त पर करें, काम वक्त पर पूरे होने चाहिए। हैंडपंप का रिबोर कराएं या मरम्मत करवाएं, पीने के पानी की समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए, 15 जून तक बचे हुए काम पूरे हो जाने चाहिए। वहीं सीएम योगी ने पहले ही साफ कर दिया था कि काम पर अधिकारियों की लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, लिहाजा अब जिला स्तर पर इसका असर देखने को मिलने लगा है।